अगर अपन डील नहीं कर सकते तो मम्मी को दे दो फोन, बार्गेनिंग स्किल्स। बोम्बल रेस्टोरेंट। सो गाइस वी हैव रीच्ड कैंडलिट बीच। यहाँ पे आप बिकनी वगैरह ले सकते हो। तो गरम है, देखो धुआं निकल रहा है। गाइस डे टू, अभी मैंने स्कूटी बुक की है क्योंकि मैं और वाइफ सोच रहे हैं स्कूटी से ट्रैवल करने के लिए, और मॉम डैड और मेरी बहन टैक्सी से ट्रैवल करने वाले हैं। आज ओल्ड गोवा चर्च और मंगेशी टेम्पल जाने का प्लान है, तो अभी देखते क्या सीन है, चलते। स्कूटी वाला आया, देखो यहाँ पे ये स्कूटी है ना। सो गाइज़ मैंने यहाँ से 350 रुपीज़ में स्कूटी बुक की है। मैं आप लोगों को बहुत सारे स्कूटी वालों के कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, जिससे आप पंजी या मीरामार में स्टे करके स्कूटी बुक कर सकते हो। सो गाइज़ देखा आप लोगों ने, मैंने स्कूटी बुक की है मॉम डैड और सिस्टर के लिए। हम लोग टैक्सी या फिर देखेंगे कोई ऑल्टरनेट जुगाड़, लेकिन अब स्कूटी से मैं जाऊँगा, पेट्रोल भरूंगा। कैसे मैं पहले ही जाके आगे जाके रिक्शा वालों से बात कर लूँगा मॉम डैड के लिए, और या फिर मैं बस या टैक्सी वालों से भी आगे जाके बात कर सकता हूँ, तो कैसे ज़्यादा टाइम बच जाएगा। इसके लिए स्कूटी ली है मैंने, क्योंकि आज ज़्यादा घूमने वाले नहीं, आज हम लोग सिर्फ चर्च और मंगेशी टेम्पल घूमने वाले, फिर पंजी आके हम लोग थोड़ा बीच पे देखेंगे, या तो बागा जाएंगे वापस या कलंगूट, या कल कंडोलिम गए थे जैसे आप लोगों को पता है, तो बागा कलंगूट या कहीं और बीच जाएंगे, या साउथ भी जा सकते हैं, डिपेंड्स। तो अभी चलते हैं सीधा अगले डेस्टिनेशन पे। नहीं कुछ नहीं, अभी तो फिलहाल बस पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं, और बहुत मज़ा आ रहा है गोवा में। गोवा की सुबह देखने मिल रही है, और क्या चाहिए बस। तो गाइस अभी मैं पंजिम बस स्टॉप पे हूँ, और मैंने टैक्सी के लिए पूछा वहाँ पे, तो उन्होंने 1800 रुपया बोल रहे हैं, 2200 बोल रहा था ओल्ड गोवा का, तो मैंने 1800 करा लिया, कम करवा के मतलब 1800 में उसको डन करवा दिया। तो 1800 में वो सुबह से शाम तक पूरा ओल्ड गोवा घुमा देगा, मंगेशी टेम्पल, दोना पावला, मीरामार पर वैसे भी रहती, तो एंड में वहीं ड्रॉप कर देगा, और बहुत सारी जगह और कवर करेगा, चर्च वगैरह, टेम्पल, फिर बालाजी टेम्पल, ये सब कवर करेगा। तो अभी हम लोग का वेट कर रहे, वो लोग आने वाले हैं, उसके लिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे रुका। यहाँ पे मैं हमेशा खाता हूँ, 10 रुपये का वेज पैटी, तो कितना सस्ता है, और मेरी वाइफ ने लिया वेज कटली, वो भी 10 रुपये का, तो आप आराम से इसको खा सकते हो, और आपका नाश्ता भी हो जाएगा सुबह का। तो गाइस मैंने टैक्सी वाले से पूछा, तो उसने 1800 बताया फाइनल रेट, और अभी मैं रिक्शा वाले के पास गया क्योंकि तीन लोग हैं ना, तो रिक्शा वाला पहले 1500 बोला था, तो कम करवा करवा के मैंने उसको मतलब 1200 बोला, तो पहले 1000 बोला मैंने, तो ना बोला, फिर मैंने बोला चल 1200, तो लास्ट वो 1300 पे, तो 1300 पे वो सेम जो टैक्सी दिखाएगा साइट सीइंग वो भी वही दिखाने वाला, तो ठीक है अभी मॉम डैड आएंगे तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ वो क्या प्रीफर करना चाहते हैं, उस हिसाब से मैं उनको घुमाऊँगा। तो चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सा होगा। टैक्सी वाले से डील डन हो चुकी है, 2000 में उसने बोला वो सब घुमाएगा, चर्च, मंदिर, और साथ में कोलवा बीच भी, तो शाम को 6 बजे 7 बजे तक ड्रॉप कर देगा, 7 बजे तक मैक्स ड्रॉप कर देगा, तो अच्छा है 2000 में अगर टैक्सी में आप लोगों को घूमने मिल रहा है। हम लोगों ने तो ऑलरेडी स्कूटी की हुई है, तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग ने तो स्कूटी ली है, और मॉम डैड है वो लोग अब टैक्सी से आ रहे हैं, तो ठीक है टैक्सी से अगर वो लोग आपको कोलवा बीच भी घुमा रहे हैं ये सब बाकी डेस्टिनेशन से, जैसे कि टेम्पल, चर्च, और भी दो तीन डेस्टिनेशन है, दोना पावला है, तो उसके बाद अगर आपको वो लोग टैक्सी में घुमा रहे और कोलवा बीच तक छोड़ रहे और फिर रिटर्न भी लेके आ रहे, तो बहुत सही है गाइस। तो चलिए अभी चलते हैं उनके पीछे पीछे, ऐसे तो अपने को रास्ता मालूम है, लेकिन फिर भी उनके पीछे जाएंगे तो उनके साथ ही रहेंगे, ठीक है लेट्स गो। सो गाइस पहुँच गए हम लोग सबसे पहले बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च, ये ओल्ड गोवा चर्च बोलते हैं इसको, और सामने जो है वो है न्यू चर्च, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर प्रे करेंगे और उसके बाद निकलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो गाइस पहुँच चुके हैं अभी हम लोग के सेकंड डेस्टिनेशन पे, दैट इज मंगेशी टेम्पल। उस साइड मंदिर है और इस साइड आप देखोगे तो एंट्रेंस है, यहाँ से आपको एंट्री करनी है। अगर कार है तो कार मोस्टली अंदर तक अलाउड नहीं है, लेकिन स्कूटी लेके आप अंदर तक जा सकते हो। अगर कार है तो आपको बाहर ही पार्क करनी है और वहाँ से आपको चल के आना है। तो यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स भी है जैसे आप लोग देख रहे हो, हैट वगैरह के, कपड़ों के, ड्रेसेस है, सब कुछ है यहाँ पे, आपको सुविधा शॉप्स भी मिलेंगे, यहाँ पे आप आराम से आपकी शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ मंदिर में प्रे करके घूम सकते हो यहाँ पे।
तो अब चलिए दर्शन करके हम लोग निकलते हैं। वैसे मैं चर्च के अंदर शूट नहीं करता है क्योंकि वहाँ पे शूटिंग अलाउड नहीं थी। यहाँ पे भी अंदर आई थिंक कैमरा अलाउड है या नहीं पता नहीं, बट फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं। अगर अलाउड है शूट करना तो मैं आपको शूट करके बताता हूँ। अच्छी टेम्पल का दर्शन करने के बाद अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे विराज क्लासिक में, तो यहाँ पे थोड़ा लंच करेंगे फिर हम लोग कोलवा के लिए निकलने वाले। तो अभी देखते हैं यहाँ पे लंच में क्या क्या अवेलेबल है। सुबह तो अभी हम लोगों ने नाश्ते किया था, मैंने वेज ही खाया था क्योंकि मुझे मंदिर और चर्च जाना था। जैसे आप लोगों को पता है कि मंदिर और चर्च जाने के पहले मैं वेज ही खाता हूँ, तो अभी वेजिटेरियन नाश्ता करने के बाद मंदिर और चर्च घूमने के बाद अभी मैं आज नॉन वेज ट्राई करने वाला हूँ। और यहाँ से खाना खाने के बाद हम लोग निकलेंगे कोलवा बीच, तो अभी देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है। सबसे पहले मैंने बियर ऑर्डर किया है, तो जैसे आप लोगों को पता है कि गोवा में बियर का रेट कम है और बहुत मज़ा आता है यहाँ पीने में। तो चलिए अभी आपको मेन्यू दिखाता हूँ। मेन्यू में आप स्टार्टर देख सकते हो, यहाँ पे तंदूरी आइटम्स ऑर्डर कर सकते हो, चाइनीज़ के काफ़ी ड्राई आइटम्स है, एग वाले आइटम है, सूप वाले आइटम है, और वेजिटेरियन में तो बहुत कुछ है, दाल पनीर सब कुछ है यहाँ पे। साथ ही साथ नॉनवेज में चिकन और मटन के डिशेस भी अवेलेबल है। अगर आप लोग रोटी लवर्स है तो तंदूरी रोटी, बटर गार्लिक नान वगैरह सब ट्राई कर सकते हो। नूडल्स पुलाव वगैरह भी आप लोग एंजॉय कर सकते हो। अगर आप अल्कोहल ट्राई करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो, यहाँ पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन है अल्कोहल का। तो चलिए अब कुछ ऑर्डर करते हैं। स्टार्टर्स के लिए मैंने मंगाया पापड़ और साथ ही साथ मेरा फेवरेट चिकन लॉलीपॉप, जो कि काफ़ी रसीला था और बहुत ही टेस्टी था। यह है वेज थाली, इसकी क्वांटिटी बहुत ही अच्छी है। एक सब्ज़ी भी मिलेगी आपको साथ में और सोल कड़ी भी मिलेगी। राइस की क्वांटिटी यहाँ पे बहुत अच्छी थी, उसके साथ पापड़ और दो तंदूरी रोटी भी मिली। यह है बांगड़ा थाली जिसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी थी, टेस्ट वाइज भी अमेजिंग था। और साथ में हम लोगों ने ऑर्डर किया पॉम्परेट थाली जिसका पॉम्परेट का साइज़ काफ़ी बड़ा था, बहुत ही जूसी था और बहुत ही टेस्टी था। और यह है यहाँ का फेमस बटर चिकन और तंदूरी रोटी। गाइस सच बोल रहा हूँ, तंदूरी रोटी और राइस के साथ ये बटर चिकन का कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग है। और इसके साथ स्टार्टर में मैंने जो चिकन लॉलीपॉप ऑर्डर किया था वो भी मैंने एंजॉय किया। बहुत अच्छा लंच था गाइस, बहुत मज़ा आया। अब चलते सीधा नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। वहाँ पे बहुत सारा शॉपिंग किया हम लोगों ने, और जैसे आप लोगों को पता है अभी लंच करके हम लोग आ चुके कोलवा बीच। वाव, दिस इज सो अमेजिंग। शेक्स भी है यहाँ पे आज। वाव, तो चलिए गाइस अभी यहाँ पे थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं, एंजॉय करते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। कितना अमेजिंग वेदर है सच में। वाव, आप लोग देख सकते हैं बीच पे इतने सारे लोग हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। सो गाइस, अगर आप पंजिम में और आपको टैक्सी पकड़ के जाना है कहीं पे, तो ये है पंजिम के टैक्सी एसोसिएशन के रेट्स। आपको यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो कि आपको अगर पंजिम से कहीं भी जाना हो, कलंगूट, बागा, अंजुना, तो ये सब रेट्स है। आप लोग देख सकते हो वीडियो पॉज करके और आप लोग आपके डेस्टिनेशन पर पहुँच सकते हो इन रेट्स के थ्रू। और हाँ फ्रेंड्स, ये रेट्स आपको पंजीब टैक्सी स्टैंड से ही मिलेंगे। अगर आप मडगांव टैक्सी स्टैंड पे हो या मापसा के टैक्सी स्टैंड पे हो तो आपको ये रेट्स नहीं मिलेंगे। और अगर आपको नॉर्थ गोवा या साउथ गोवा के साइट सीइंग के लिए प्राइवेट टैक्सी बुक करनी है जैसे मैंने की थी, तो वो भी आप लोग यहाँ से बुक कर सकते हो। ओके गाइस, तो मैं अभी मीरामार बीच पे हूँ, यहीं पर हम लोग का नज़दीक में स्टे है। आज मैं जा रहा हूँ फूडलैंड गार्डन रिट्रीट रेस्टोरेंट एंड बार, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा खाना मिलता है और बहुत ही अच्छा वाइब है यहाँ का, लाइव म्यूज़िक भी है। तो चलिए अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं। मेरी वाइफ ने ऑर्डर किया दाल खिचड़ी, मम्मी ने भी ऑर्डर किया दाल खिचड़ी।
ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने फैमिली के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।